सो गाइस आज तो मैं जा रहा हूँ क्या कहते हैं घर अपने, बट मैं ना थक चुका हूँ। क्यों थक चुका तू? आज ने लड़कों से बात कर करके थक गया तू। बैठ के लड़े आंटी तेरी माँ की हो थोड़ी आंटी। बताओ लोग आंटी की नहीं थी वो, आंटी की नहीं आंटी की बात कर रहा हूँ जो आंटी का तूने कॉल करा है। आंटी कौन भाई? लेकिन बोला ऑनेस्ट है भाई। ऑनेस्ट तो हूँ कम से कम। चल मैंने एक आंटी से भी बात कर ली, सब्सक्राइबर थी। क्या हो गया? लड़कियां भी बोल रही हैं। क्या हो गया? मैं तेरी वीडियो दिखाऊं जो तूने करा बता। हैं क्या करा? देख मैं हूँ एक नंबर का हरामी। मैं लड़की बाज, मैं किसी लड़की से लॉयल नहीं हूँ। तू भी सेम है? मैं लॉयल हूँ। ठीक है, तू जिस लड़की को जो बताना चाहता है बता दे जाके, मैं तेरा बताऊंगा। माँ की छूत अब देखी जाएगी। अरे फिर वही बहन नहीं नहीं अब देखी जाएगी, अब देखी जाएगी भाई, अब देखी जाएगी। पास था मेरा, तू पास में क्यों? पास था आज की मैं नहीं, मैं जरा तेरे को प्यार से कह रहा हूँ। मेरी बात सुन भाई, मैं इसको समझा रहा हूँ। ये मुझे कहता है कि तू लॉयल में भी है और लड़के को ये कह रहा है तीन चार लेके चला कर 6 महीने भाई देखो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ मेरे को करेक्ट करना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तू एक बार ये रिग्रेट कर रहा होगी कि मैंने उसको पूरी लाइफ क्यों बनाया, लाइफ का पार्ट बना के रखता। भाई मत बनाओ है ना लाइफ का। मैं तेरे को क्या, मैं तेरे को कुछ गलत नहीं कह रहा भाई, मैं तेरे को बस ये कह रहा हूँ कि अपने आप को पहले रख। अगर लड़की आई भी है जिंदगी में उसको एकदम ये नहीं, तेरी 400 फॉलोइंग थी, हाँ मेरे को ये लड़की पसंद आ गई, एक दिन हुआ मम्मी से बात करा दी, ये करा दिया, 0 फॉलोइंग कर दी, ये कर दिया। अरे मैं तेरे को एग्जांपल दे, ये नहीं डलेगा। उसको बात करा दियो ना, लास्ट टाइम जब आया था तू पूरा पागल हो गया था यार। मतलब मैं तो ऐसा पागल होता कि घर में दिखाना सब कुछ, मतलब बिल्कुल कि यही है मेरी जो है, लास्ट वन टिल डेथ वाला प्यार। घर पे एक बार बता दो, मैं लड़का जिंदगी में एक ही बार बताता है बस घर पे लड़की के बारे में। हाँ। उसका हिम्मत नहीं होती बताने की। मैंने एक बार बताया था, मम्मी अभी तक उसके नाम से छेड़ती है। 6 साल हो गए वो जो घर पे, वही 6 साल हो गए मम्मी अभी तक उसके नाम से छेड़ती है। और अब हिम्मत ही नहीं होती मम्मी को किसी और के बारे में बताओ, चाहे उस लड़की से मेरी 3 महीने बात हो जाए या 6 महीने हो जाए, क्योंकि फिर गांड बढ़ती है। घर वाले एक बार पूछते हैं उसका क्या हुआ। वो सो बात सोच रहा हूं कि जो लड़की मतलब पीरियड तक बताती थी कि उसका पीरियड कब आता है, वो बात मुझे ही बताती थी। वो लड़की मुझे छोड़ दी भाई। भाई पीरियड आना ना आना ये तो नॉर्मल बात है, वो तो अपने ट्रेनर को भी बताती है। ट्रेनर को नहीं बताती, मतलब पीरियड की डेट मुझे तक याद होती थी उस लेवल पे करना भाई। तो वो तू मिस नहीं कर पाया ना, तभी तेरे को छोड़ दी। वो कह रही थी एक बार मिस करवा। मिस तो मैं उसको वैसा कर देना। अबे उसको मिस नहीं कर रहा, इधर आ सामने आ। मैं तेरे को अब ये समझा रहा हूँ, तेरी लाइफ में लड़की आई है उसको लाइफ का पार्ट बना, क्योंकि जिस स्टेज पे अभी हम हैं हम ये टेंशन नहीं ले सकते कि हम बैंड के लोड़े किसी दूसरे बंदे की वजह से अपना दिमाग खराब करे और ये कंटेंट ना बना पाए, ये ना कर पाए, हमारी टेंशन हो हमारी लाइफ में। हमने वीकनेस है वो भाई, करियर अभी स्टार्ट हुआ है। 4-5 साल से कर रहे हैं ना, गांड मरा रहे हैं ना। तू बहन के लोड़े मैं तेरी मुट्ठी मार दूंगा तेरे को, ज्यादा दिक्कत है तो दिक्कत हो। हाँ बस चुप रह, बहन के लोड़े 6 हजार मतलब वो तो बोलने। आई एम सिंगल। सिंगल है या माँ कसम? माँ कसम आई एम सिंगल ब्रदर, आई हैव लॉट ऑफ चिक्स ब्रदर। है यस करता रही हरकतें, ये करे तो भाई गांड ढूंढना पड़ती है मेरी यार। हाँ कोई ऐसा वो नहीं करना कि बहन का लोड़ा एक के लिए बिल्कुल पागल हो गए, ये हो गए। होऊंगा तो कम से कम नहीं 15-20 के लिए पागल होऊंगा। नहीं जिंदे मर्द वही है जो एक लड़की के लिए। हाँ मर्द रहते वही है जो 15-20 चाट के देखते हैं बड़ा मजा आते हैं। मर्द वही है जो एक लड़की से लॉयल रहे। ठीक है नहीं 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 क्यों, वो तो बाद में लॉयल होऊंगा ना जब बन रही है ना भाई, कहीं बाद में लोड़े लग जाए नहीं बन रही है। लॉयल तो एक ही बार होऊंगा ना, जिसकी मां को सिंदूर डालूंगा। हाँ लॉयल मैं तेरे को वही बता रहा हूँ, अभी मैं तेरे को वही बता रहा हूँ, लड़की 6 महीने भी फेक कर सकती है, 7 महीने भी फेक कर सकती है, बट इतना दिमाग एक साल भी कर सकती है, एक साल भी फेक कर सकती है। एक काम कर, लड़का लड़का ज्यादा फेक नहीं कर पाता, वो 1 महीना दिखाएगा उसको ना अंदर से वो आ जाता है यार ये गलत कर रहा हूँ चल खत्म। तो मेरे भाई एक बात बता, तेरे हाथ जोड़िए दोनों मेरे हाथ, तेरे हाथ जोड़ तू एक चावल को डेट कर लूँ मैं भाई। तू डेट नहीं, तू बहन के लड़ मुझको बता दे जब नहीं होती लैला 27 साल का होगा, शादी की उम्र होगी तेरी, लड़की देख कोई देख, अब जब देख लिया तो तेरी गांड में तुल्ला भाई वो पसंद नहीं आई। अरे तू
तूने लेट ना बहन के लोड़े, तूने शादी करनी है तेरी माँ की चूत। भाई वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उससे पर्सनली बात करी है, तूने थोड़ी ना करी है। भाई तू बोला आदमी है, मैं तू दल्ले जिंदगी में कितनी चार बार तूने बहन के लोड़े, जब मेरे से मिला तब तो पहली लड़की देखी है। कौन सी पहली लड़की देखी है? तब तो तू लड़कियों से मिलना स्टार्ट हुआ, तेरी माँ की चूत यूट्यूब के बाद मेरे को बातें सिखा रहा है। तेरा बाप 16 क्लास जब 15 साल का था मेट्रो पकड़ के द्वारका गया था लड़की के घर, होम लोन थी वो, तब से करता आ रहा हूँ काम। हाँ तो तेरी माँ की जो तुमने जस्टिस बताई थी, मैं भी तो उसके नीचे पहुंच गया था। वो तू नोएडा पहुंचा था, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं 15 साल की उम्र से 9 साल का तजुर्बा है, क्या कहते हैं, जिसमें 1 साल खाली सिंग रिलेशन, ये एक साल तो बता दे, एक अंटी मिली थी इसको। अरे वो सब छोड़ यार दल्ले, अब कल को शादी की उम्र हो रही है क्या? गाड़ी की उम्र का बैठ कर तो बता दे, इन्हें एक अंटी बताई, अरे लला जा चले जा बैठ, तो रोक के मैंने कहा अच्छा भाई, फिर उन्होंने बात बात करी, उन्होंने कहा नोएडा आ जा, कॉलोन में 2 घंटा करके नोएडा चला गया, मेट्रो ऑटो पकड़ के अकेले परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के सेंटर में चिंगम वंगम खा के बैठ गए, पक्के पक्के मिलेगी। इसकी माँ को चौधरी वो मिली आंटी, आंटी बहारी कोई फैली हुई ओके थी, मतलब ठीक ठाक थी, क्यूट आंटी भी होती वैसी वैसी थी। तो बैठ की लोड़ी ने कहा आप तो बच्चे लग रहे हो, भगा दिया मुझे उसकी माँ को, चौधरी मैं रोने लगा, 4 साल बड़ा मार रो रहा है। इसको मैंने करा फोन, मैं कहा तेरी माँ की जो अपने बाप कौन सी फिल्म में कटा दी, एक घंटे में आया ट्रैवल करके, मेरा भाई मेट्रो में एयर लीड लगा के गाने सुनता हुआ गया कि लड़की से मिलूंगा, वो लड़की थी डाइवोर्सी लड़की थी, बट मैंने कहा भाई तू मिलने चल मेरे से, मेरे पीछे बड़ा होता, वो मेरे को मैसेज करती थी इंस्टा पे, यू लुक क्यूट ये वो, मैं बॉडी बॉडी की फोटोज डालता था, तो मैंने इसको कहा तू मिल ले, अब ये गया इसको भगा दिया, ये सीन था। बाकी दूसरा मैं तेरे को बता रहा हूँ कि 16 साल की उम्र से मैं 24 साल का हो गया हूँ, लड़कीबाजी करता है हर महीने 1-2 लड़कियों से मिलता हूँ और करता आ रहा हूँ, मेरे को पता है घाट घाट का पानी भी है, मेरे को पता है लड़कियों के बारे में भाई, कौन सी शरीफ है कौन सी कैसी है समझ आ जाता है भाई, तो मुझे ही पता है, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, भाई कितना एक्सपीरियंस है, तीन लड़कियों का तो भाई भाई को बता देना यार, भाई को बता दे क्या करना चाहिए आगे। मैं तेरे को अब बता रहा हूँ, उस लड़की के साथ जैसे है वैसे चलता चल अपनी लाइफ में, उसको ज्यादा मतलब ये मत कर कि सारा काम काज छोड़ के उस पर फोकस कर रहा है, नहीं फोकस उस पर, फोकस तेरे पे ही अभी चावल बहुत बड़ी बंदी थी, बहन के लोड़े छोड़ दिया, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, तेरा खानदान सुधर जाता, ऐसी बातें तुझे मैं जानता नहीं हूँ तुझे, लास्ट बता दे क्या करना चाहिए भाई को। भाई देख इसने मेरे से डील करी थी कि अगर इसकी बंदी बनेगी इसकी बीवी बनेगी तो क्या होगा, अगर ये वो डील आज भी एग्री करता है, चार बंदों बिठा लो ये वो वाली डील पे एग्री कर दे तो तू भाई शादी कर ले उससे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वो डील तब की थी, वो डील तूने यूट्यूब का मेरा वो कंटेंट था, नहीं कंटेंट ये अब भाई, अगर इस वीडियो में 40,000 लाइक आ गए तो वो डील डन है, तेरी बंदी मेरी बहन समान होगी भाई जब तू सच में आएगा रिलेशनशिप में, वो सब मजाक की बात है वैसे। भाई देख तू लैला का ज्यादा अच्छा दोस्त है, जो लैला बोलेगा वो हो जाएगा। हाँ चल वो कभी नहीं बोलेगा, बता नहीं डाल दूं? हाँ ठीक है, डाल रहे कभी पानी में गया, इसको देख हेलो भाई एक बात बताइयो सच्ची सच्ची, लड़कियों पे ट्रस्ट करना चाहिए यार, किसी की सही थोड़ी होती है। क्या कर दिया तो तुझे तो बैठ कर कुत्ते से हाथी बना दिया, तेरी माँ की चूत बैठ के थैंक यू बोल जाके कुत्ता, उसको और चुरा लाया तू दल्ला, उसको कुत्ता चुरा के लेके आया, जो कुत्ता हुआ था इसी बंदी, तेरी बंदी ना कुत्ता दिया था ये तो वापिस कर गया बहन के लोड़े को। अरे भाई हेलो हेलो, अरे अभी अभी है कहाँ ये बता पहले तू, 2 मिनट कहाँ पे है, इसे 5 मिनट मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं सुन, वैसे मैं वैसे बोल रहा हूँ अभी नहीं, मतलब 5 मिनट उसके बाद फ्री होगा तो मुझे मिलेगा अभी, वही आ जाएंगे माले नगर में, 5 मिनट मिल जाइयो। अबे काम ये है कि बस वो हाथी का लंडा तेरी गांड में घुसवाना था, घुसवा लेगा ठीक है। अच्छा और सुन बड़ा माधव चौधरी तू यही डालेगा आगे ले गया, नहीं मैं बाय 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 बाय। गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। यार क्या कर रहा है लैला,
अबे बस हो गया यार, अरे मत मत बातों में यार, अरे रहन दे, मत दिखा, मत नहीं दिखा दे, दिखा दे हल्का सा दिखा दे, अब तुम डोले का साइज चेक करना बहन से, दो मिनट पर भाई लैला एक सेट तो बताऊं, इससे डोला बढ़ सकता है पर वो भाई का भाई है। और डॉक्टर जी उसका मैं कार्ड अब क्या बना दूंगा, ठीक है ओके, अब क्या बना दूंगा ओके, ये हमारे डॉक्टर, ओके डॉक्टर जी बहुत मेहनत से काम करते हैं, डॉक्टर मैंने बोला मैं ये लड़की वाली करता है, कहता ये बहन थोड़ा फौजी में हो गया यार, क्या कर रहा है डॉक्टर मेरे को कहते हैं बेटा कहा हो, मैं कहता हूँ अंकल मैं फौज में भर्ती हो गया, मैं बाहर हूँ अभी, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, कहते जय हिंद बेटा जय, हर बार मेरे को फोन करते हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टर जी इस बार बॉर्डर पे जाऊंगा, इस बार मेरी ड्यूटी वही है, ये मार्च में, ऑल द बेस्ट बोल दो मेरे को, दुश्मन होगा क्या हाल करूं, दुश्मनों को मारूं, उड़ा देंगे मेरी राजपूतों वाली खोपड़ी मत दिखाइयो इसको, पागल हो जाएगा, ले लेना ये पीछे पड़ा मैंने, और बुझो बुझो इंजे भाग मत, लगवाना तो है ना इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, ठीक है कहीं नहीं रहने का खाए तेरी बे, ओए बैरी लगा रहा अभी तेरी बैड की टांग पागल की सोला गाइस अभी मूड में नहीं है वो, मैं नहीं हूं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास मत आ, जो कुछ भी दूर हो जा, लग गया मैंने कहा नहीं, उसका पता लग गया, इस पागल ने दिखा दिया ना, दिखा नहीं दिया पकड़ ले, इसके तेज दम जा, तेरे पे दम तो एक बार लगा था, और तोड़ेगा उसको देख, अच्छा सॉरी मैं तो नाम नहीं ले बस गया, ये ले गया, ये मत कर, मेरे को मत कर यार, मेरे को मत, गुस्सा नहीं छोड़ दो उसको, मार गया ना, चाक मार गया मेरे साड़ा, इधर आ बताऊं तेरे को, सो भाई ये चूतिया मेरे को ले आया, एक घंटे से बैठा हुआ है गाड़ी के शीशे काले कर रहा है, पागल हो गया नहीं, अभी तक कोई बंदा लगवाने यार, अब आया भाई, आज मेरा दिल टूटेया, अब जिस दिन मेरा दिल टूट गया ना भैंस हो मर्डर लड़कियों के, सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ कुछ खाने पीने, ओए वो कहां गया भाई, दूर दूर मत चला कर, अरे बन तो जा, मत कर तेरी भांजी मार दूंगा भाई, ऐसे मॉल में तुम भी करवा लिया करो, हमें तो पता दी अपनी, वो तो थोड़ी बिगड़ी हो जाए आंटी की, ओके 73 175 कर दे उसके, सो गाइस मैं पहली बार आया हूँ पॉल में, और आज पॉल का खाना ट्राई करते हैं, इसकी कॉफ़ी, यहाँ के बंदे सब्सक्राइबर ही निकले तो उनको मैंने कहा बढ़िया बना के देना, और अपने सब्सक्राइबर दिल से सब्सक्राइबर होते हैं, ऐसे नहीं कि फॉलो करके बैठे, तो मेरे भाई रुक जाओ तुम, मैं खिलाता हूँ, कॉफ़ी तो बढ़िया है, शेक पी लियो कैसे भाई, हमेशा देखो आज मेरा बड़ा है इसका छोटा, दोनों स्वाद है, बर्गर खाते हैं, ये गाना मैं इतना सुनता था लड़के ने अपनी आंखें दे दी थी यार लड़की को, शिट यार की गाने ऐसी तदल ते लाइया ने गिर करके नींद ऐसी गवाया, बाकी भाइयों अभी मैं सोच रहा था, एक मिनट, अभी मैंने सोचा कि मैं 25 साल का होने वाला हूँ, और मतलब 1/3 जिंदगी या 1/4 जिंदगी अगर 100 साल की है तो बिना प्यार के निकल गई प्राइम जिंदगी, बिना प्यार, अगर तुझे प्यार मिल जाता तो तू इन लोगों को कैसे मोटिवेट कर पाता मेरे भाई, ये मसीहा जो बना हुआ है तू, ऑल स्टार एंड ये, कोई नहीं हर चीज सैक्रिफाइस मांगती है, मैंने बलि दे दी अपने प्यार की, मैंने बलि दे दी अपने यार की, माँ की चूदी यार की, प्यार के दिया यार, बगल में बैठा प्यार की, अगर मैं किसी एक लड़की का हो जाता तो उन हजारों को क्या होता जो मेरी इस हरकतों से मेरे को प्यार करती है, तो मैंने उन हजारों लड़कियों के लिए एक लड़की को त्याग दिया था, त्यागा तो उसने था मेरे को, पर मैंने फिर दूसरी नहीं आने दी अपने पास, बट अब बहुत सुन मैं भाई सेटल होने वाला हूँ,
क्योंकि अब मेरी उम्र आ रही है, मेरे को बच्चे करने हैं, मेरा स्पर्म जो है ना प्राइम स्पर्म होता है 25-30 के बीच में, वो चाहिए मेरे को, उसी में मेरे बच्चे चाहिए अट्टे कट्टे जवान। तो मैं करने वाला हूँ शादी और फिर आएंगे कपल व्लॉग्स और गाने बनेंगे, लैला गाड़ी चलाएगा पीछे, लैला बैठ के लोड़ा, लैला की अपनी बीवी होगी, अब आगे वो बैठेगी पीछे मैं अपनी बीवी के साथ बैठूंगा, ये कह रहा हूँ मतलब? अब ये पीछे जो दो खाली सीटें है यहाँ पे एक कपल हो जाया करेगा, हम अपनी अपनी लेके घुमा करेंगे अब। यस, फिर हम जाएंगे कोई रोमांटिक जगह जस्ट लाइक पेरिस, सिंगापुर, किसी की किस्मत ओके होने वाली है। मेरी तो ओके है मेरे भाई, मैं तो इस साल के एंड में, इस साल के एंड तेरी शादी हो जाएगी। रुका रुका, यस ओके, मेरे को अभी बहुत काम है, भाई की शादी, बहन की शादी, घर लेना नया, उसके बाद मैं अपना कुछ सोच पाऊंगा। लव यू। खड़ी पंप ते टंकी फुल कराउंदी यार, सीधी मुरली काकी, अरे यार लड़के की गरीबी अमीर लड़की से प्यार, लुक पर्सनल। मैं एक दिन यारो रोक ली पांच किताबां दे, अरे अख नेड़े ओ दिल्ली वांग शराब दे, भाई ऐसी ऐसी लाइन है इस गाने में, मतलब भगवान के पास कोई रिश्वत चलती होगी तभी इतना सुंदर बना दिया तुम्हें, वरना भगवान क्यों बनाएगा किसी को इतना सुंदर यार। वो चुन्नी पहन के नहीं, चुन्नी पहन के नहीं, वो कह रहा है कितनी सुंदर लगे अगर ये चुन्नी ना लाए, मतलब अच्छा। चुन्नी ना उतारे तो कितनी सुंदर लगे, चुन्नी में ढकी हुई खूबसूरती और कितनी खूबसूरत हो जाएगी। भाई जस्सी गिल भाई द्वारा गाने लेके आओ थोड़े। ओ देख सूट दी बारी महीना आउंदी नहीं, ओ ता बिना मैचिंग तो रबड़ बैंड भी पौंदी नहीं, मैं तो जीना नु बदल बदल पा लेना ताइयो ता मैनू दख के फीलिंग आउंदी नहीं। ले लो ऐसी ले लो, आओ जल्दी ले लो, फोटो खिंचवा लेते यार भाई के साथ। फोटो के लिए किसी को मना नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे को एक बंदे ने मना करा था फोटो के लिए, जिंदगी में पहली बार पूछा था, उसके बाद कभी मन ही नहीं करा किसी से खिंचवाने का, और मेरे को तब बहुत बुरा लगा था, अभी तक बुरा लगता है उस बात के। बहुत डर का माहौल है, पूरी फैमिली डरी हुई है। क्यों? 3 महीने बाद लेग्स मार रहा हूँ। सोच फैमिली डरी हुई है, अबे वो अनिजिंग की वीडियो नहीं आती, बहुत डर का माहौल है, बहुत डर लग रहा है गाइस, बहुत सोरनेस से डर लग रहा है। अभी तो कर लूंगा लेग्स वर्कआउट बढ़िया, बट बाद में। तेरी प्यार की डाल, एक ये गाड़ी से और एक तेर से, बहुत प्यार करता हूँ मैं। सो गाइस, किसी के पास ऐसा सराहना है जो मेरे पास है, देखो बेस्ट पिलो। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी।